हेलो एवरीवन, मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं अभिषा, आप सबको बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक शेयर भी करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आज की जोड़ी लेकर आए बड़ी जबरदस्त किस्म के आने वाले हैं। नाजिया लाहिड़ी का एक न्यू इंटरव्यू आया है, अभी रात को ही उनका इंटरव्यू आया है, जिसमें भाई वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं वीडियो को देख लेते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों आपके भगवान राम नहीं है? इस वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लाश से मारते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था, इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था कि हर गली गली में अब्दुल और हर गली गली में मुल्ला परेशान है कि दोबारा मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए तो ये लव जिहाद नहीं चलेगा, ये घुसपैठिया नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुतबा नहीं चलेगा। हर हर महादेव, हनुमान जी की जय। आज हनुमान जयंती है, मंदिर के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी चुनावी यात्रा में, चुनावी भाषण में मतलब कि आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जो लोगों का धन इकट्ठा करके जिनके पास ज्यादा संतान है, ज्यादा बच्चे हैं, उनको धन देना चाहती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आरोप तो नहीं लगा रहे, सत्य के आधार पर बात कर रहे हैं और तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अपने बातों को बहुत तहजीब के दायरे में बोला है, मुझे ऐसा लगता है तहजीब के दायरे में बोला है। ऐसा बोलना चाहिए था, बोलना ये चाहिए था कि मदरसे में बैठा मुल्ला और मुस्लिम गलियों में बैठा अब्दुल और जुग्गी में बैठा रोहिंग्या और बंगाल में बैठा घुसपैठिया और रोड पर चलता फिरता हमारे साथ अवेसी और राहुल बाबा का चमचा इसी अपेक्षा में बैठा है कि मोदी हटे और हिंदू कटे, मोदी हटे और फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम फटे। अच्छा। इसी अपेक्षा में बैठा है। हाँ। देखिए गांधी परिवार को, हाँ। नेहरू गए बाबर के कब्रिस्तान, हाँ। फूल चढ़ाने, हाँ। इंदिरा गांधी जी गई बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राजीव गांधी जी गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राहुल बाबा 2005 में गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, लेकिन क्या राम मंदिर अयोध्या कभी गए माथा टेकने? बताइए, कभी नहीं गए तो क्या माने हम इनको? हम इनको कांग्रेस बोले या मुस्लिम लीग बोले, बात तो एक ही है। मैनिफेस्टो पढ़िए, बात एक ही है। क्या कहा था पूर्व प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने? यासीन मलिक के साथ खाना खाते थे, जिहादियों के साथ, आतंकियों के साथ, जंगजू के साथ, और डिनर कर करके, और क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्यों क्यों हम बापूजी की बात को कब तक मानेंगे जो बापूजी ये कहते थे कि 7 करोड़ मुसलमान से उनको मोहब्बत है, पर भारत के 82.7% सनातनियों को उन्होंने भारत की ताकत कभी नहीं समझी और ना ही बापूजी ने अपनी ताकत समझी। हम उस नेहरू को नहीं मानेंगे, हम उस गांधी परिवार को नहीं मानेंगे जिसने हमारे अखंड भारत का टुकड़ा किया, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने लियाकत और जिन्ना के हाथ में हमारा पीओके दे डाला, हम उसको नहीं मानेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, दो बच्चे वाला टैक्स दे रहा है और 20 बच्चे वाला तो सब्सिडी ले ही रहा है। मुद्रा योजना तो मैंने मुसलमान बेटियों के घर में पहुंचाया है, जनधन योजना तो मैंने पहुंचाया है, गैस तो मैंने पहुंचाया है मुसलमानों के घर में। और आज अगर मोदी जी सत्य के आधार पर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है। जनता बात कर रही है, ये जो बाहर उधर प्राचीन हनुमान मंदिर पे जो आप हनुमान भक्तों को देख रहे हैं ना, ये किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग को देंगे? चलिए तो पूछते हैं आपके साथ, चलिए मेरे साथ, और एक एक से पूछिए कि मुस्लिम लीग को वोट दीजिएगा, जिन्ना के मानने वाले को वोट दीजिएगा, बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने वाले को वोट दीजिएगा, या उसको दीजिएगा जिसने राम लाया, जिसने वेटिकन सिटी बनाया? राम कौन ला? जो राम ला सकता है, भगवान को ला सकता है। देखिए भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम हम जैसे मुसलमानों के भी मन मन में है और कण कण में है। जिस तरह हनुमान जी के बिना भगवान राम जी नहीं रह सकते, भगवान राम जी के बिना हनुमान जी नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह ये भारत देश मोदी जी के बिना नहीं रह सकता और मोदी जी इस भारत देश के बिना नहीं रह सकते। याद रखिएगा इस बात को।
लोग बोल रहे हैं 24 में गायब कर देंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा और सब देख लेना कि मोदी कहाँ जाएंगे। भैया कांग्रेस जो है ना वो फुटपाथ का और गली नुक्कड़ का पार्टी बन चुका है। अब 2-4 पार्षद और काउंसलर बचेगा, इसके अलावा 24 के बाद दिल्ली की फिरंगी औरत और वाडरा जो घर जमाई बनकर बैठा है हमारे कलेजे पे, हमारे टैक्स के पैसे पर वीवीआईपी सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहा है। मैं वाडरा परिवार के बारे में बात कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोटा कंबल लेकर के दोबारा इटली का सफर करना पड़े, ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती थी कि जो दलितों का हक है, जो अल्पसंख्यक जो दलितों का हक है, जो ओबीसी एसटी सिम सब आते हैं उनका हक है, उसको मुसलमानों को देना चाह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दी, इसलिए उनका मनसा पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। संविधान पढ़ा है आपने? देश के नागरिक है ना, युवा है ना, संविधान पढ़े हैं। आर्टिकल 25 कौन लाया था? नेहरू लाया था। कन्वर्शन को मान्यता किसने दिया? नेहरू जी ने दिया। किसका कन्वर्शन इस देश में हुआ किसको पता नहीं है, सबको पता है। आर्टिकल 28 और 30 ला करके आपकी मंदिरों का पूरा बागडोर नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया, लेकिन बगल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा था, दारुल उलूम चल रहा था, जमायतुल उलमा हिंद चल रहा था, उसको क्यों नहीं बंद करवाया, उसका कंट्रोल क्यों नहीं नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया? जब देश संविधान से चल रहा था तो फिर देश को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहां से जरूरत आन पड़ी? ये क्या पाकिस्तान है? ये क्या सीरिया है? ये क्या अफगानिस्तान है? ये भारत है, भारत संविधान से चलेगा। क्या कहा था अंबेडकर जी ने? कहा था कि इस बंटवारे को और इस आज़ादी को हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक सारे मुसलमान भारत से यहाँ से पाकिस्तान न चले जाएं, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। और हम अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए इन तमाम सनातनियों का कि मुसलमान बेटियाँ तो सुरक्षित हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस की ही नेहा सुरक्षित नहीं बची, फैजान ने जा करके काट दिया। अब बताइए मैंने कहा ना कि हर गली गली में अब्दुल और हर गली गली में मुल्ला परेशान है कि दोबारा मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए तो ये लव जिहाद नहीं चलेगा, ये घुसपैठिया नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुतबा नहीं चलेगा, ये फलसफा नहीं चलेगा, और ये जितने भी ये लोग निकालते हैं तो ये सब नहीं चलेगा। देखिए ना, हैदराबाद में माधवी लता जी बेचारी राम नवमी में भगवान राम के आदर्श में और जज्बात में उनकी भक्ति में उन्होंने त्रिशूल चलाया, मस्जिद को कपड़े से ढक दिया गया था, असदुद्दीन अवैसी लेकर उड़ गए, अरे देखो मस्जिद पे त्रिशूल चलाया जा रहा है। चलिए अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर अवैसी साहब को माधवी लता के त्रिशूल चलाने से इतनी दिक्कत हुई तो ये जो 77 साल से सारे रोड को ब्लॉक कर कर के नमाज पढ़ा जाता है उसको किसको तकलीफ दिया जाता है, मतलब सनातनियों को दिया जाता है? ये जो लाउड स्पीकर लगा करके हिंदू गलियों में और हिंदू घरों में भी जो अजान की आवाज पहुंचाई जाती है ये किसको तकलीफ दिया जाता है? सनातनियों को बोलते हैं ना कि मंदिर की संख्या ज्यादा है, मस्जिद संख्या कम है। अजान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों, आपके भगवान राम नहीं है? पर अजान 5 वक्त ये बोलता है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह के अलावा तो कोई खुदा और भगवान ही नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भारत की धरती पर मैं नमाज तो आप भी पढ़ती हो तो आपको तो सुनिए, मैं कहीं भी मुसल्ला और जा नमाज बिछा करके ना नमाज नहीं पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के लिए मेरा घर है और नमाज पढ़ने के लिए मर्दों के लिए 3 लाख से ऊपर यहाँ मस्जिदें जो है वो नेहरू साहब बना के गए हैं, तो काहे नहीं उसमें पढ़ रहे हो जा करके? यही अवैसी कहता है, नौजवानों हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह की सदाएं सुनो और मस्जिद जाओ। तो
मस्जिद कैसे जाएगा? आप लोगों को और सनातनियों के जज्बात से खेलने के लिए रोड पे नमाज पढ़ता है, रोड पे। इन लोगों को कोड़े मारने चाहिए जैसे अरब में मारा जाता है, इन लोगों को जेल बंदी कराना चाहिए जैसे अरब में कराया जाता है। कानून सख्त होना चाहिए और मुसलमानों से खड़े होकर के पूछना चाहिए, इस्लाम मानोगे या संविधान मानोगे? दिल्ली से वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लाश से मारते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था, इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था, गलत किया, लात काहे मारेगा मुसलमान को, लात काहे मारेगा, कोड़ा मारेगा, गलती करेगा तो इस्लाम के हिसाब से जो पनिशमेंट और जो सजा इस्लाम में मुकर्रर किया गया है, अल कुरान में मुकर्रर किया गया है, उसी को बोला जाएगा, उसी को। अभी आप मेरे को गंदी नजर से देखेंगे तो आपको मैं ईफ टीजिंग के केस में मैं जेल भेजवाऊंगी, लेकिन अगर आप सुमित नहीं, आप मुसलमान होते, आप कोई अब्दुल होते, आप राशिद होते, आप सलीम होते, आप मेरे को गंदी नजर से देखते तो सीख लेकर के मैं आपका आंख निकाल देती। ये है इस्लामिक पनिशमेंट? होता तो नहीं है, कहीं इस्लाम को मानने वाले ऐसा नहीं करते। तो ये जाली मुसलमान है सब, ये जाली मुसलमान है, ये लोग असली मुसलमान नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो करके आप लोगों के, आप लोगों का जो पेशेंस है ना, पोलाइट नेचर है ना, ह्यूमैनिटी को आप लोग आगे रखते हैं ना, उसी से आज की वीडियो। तो भाई नाजिया इलाही जी जब भी इंटरव्यू देती है ना, बड़े जोशो खरोश से और सही, बड़े सही किस्म के जवाब देती है। वो ना कि जो इस्लाम में सजाएं है ना, वो सजाएं देनी चाहिए, मतलब कि जैसे उन्होंने इस वीडियो में बताया, और इससे पहले भी मुझे ऑलरेडी पता है कि जो सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ पे अम्मी भी मेरी गई है वहाँ पे, तो आपने कभी अम्मी वहाँ पे रोड्स पे लोगों को इस तरह से, जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है वहाँ पे किसी को मसाले बिछा के तो नमाजें पढ़ते देखा? क्योंकि आप तो हो के आई, मैं तो गई नहीं हूँ, इस चीज का मुझे नहीं पता। रोड पे पढ़ते हैं जब जमात है ना, तब रोड बंद कर देते हैं। हाँ, रोड बंद कर देते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि भाई जहाँ मर्जी बिछा के मसाले तो पढ़ने शुरू कर दी कोई एक बंदा तो वहाँ पे। और जब इस तरह से हरकतें करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो जो है ना जानबूझ के, उन्होंने बोला कि 3 लाख मस्जिदें बनाई हैं, तो 3 लाख मस्जिदें कम तो नहीं है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए, के छेड़े छेड़ने के लिए ना रोड पे किया जाता, ताकि ये जो है ना हमें कुछ कहें, ताकि जो है हमें कोई लड़ाइयां बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता अभी दो अब टाइम चल रहा है वोटिंग का, अम्मी मुझे बार बार रोज पूछते हैं क्या बना वहां पे वोट, क्या बना। उन्होंने आज इस वीडियो में क्लियर कर ही दिया कि 4 जून जब है ना, 4 जून उस दिन फैसला होना है कि भाई कौन नेक्स्ट जो पीएम है ना वो बनेंगे। मैं भी जानना चाह रही, हालांकि मैंने गूगल पे सर्च भी किया, मैंने कहा इतनी लेट अभी, मतलब अभी तो लोकसभा के वो इलेक्शन हो रहे हैं ना, वोट आ रहा है ना, लोकसभा के पड़ रहे हैं, वो दूसरे वोट जो बड़े होते हैं ना, वो वो कंट्री हमारी तरह तो नहीं है, छोटा सा हमारे कंट्री में उन्होंने कोई 2 महीने लगा दिए थे, तो वो तो फिर वो तो फिर इतना बड़ा बड़ी कंट्री है कि भैया जिसको ना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी देखेंगे कि भाई क्या होता है। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जो इस्लामिक कानून है ना उसके हवाले से भाई ये जो हरकतें करते हैं इनको सजाएं दी जाए, और इनको ये डर है कि मोदी जी आएंगे तो भाई जो इनको अपना ये जो मन मर्जियां करते हैं, जो मर्जी करते फिरते हैं, इनको फिर बुरा हशर हो जाएगा। हाँ। तो इस वजह से ये जो है ना, वही ना तो वैसे जो है ना वो इस वजह से उनको, उसको पता है कि जो मुस्लिम मर्द है ना उनको भड़काना ज्यादा ईजी है, उनको अपने पीछे लगाना ज्यादा इजी है, तो वो उनकी ही बात करते रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी ये वो हैं, हालांकि वो तो हिंदू हैं, तो वो बोल रहे हैं वो कभी मंदिर में नहीं गए, वो मस्जिद में जाते हैं, मतलब कि मस्जिदों में इस वजह से हमें जाते हैं ताकि मुसलमानों को इम्प्रेस किया जा सके, तो मंदिरों में इस वजह से नहीं जा सकते, उनको पता है कि हमें तो वो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, तो बेवकूफ बनाने के लिए ये हरकतें की जा रही है। लेकिन नाजिया इलाही जी ने बड़ी असल बातें की हैं, और लव जिहाद जो है ये तो खत्म हो ही जाना चाहिए बिल्कुल। तो वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।